अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपका CS 101 का जो पेपर आपका सुबह हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपके जो प्रीवियस पेपर होता है उसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में आपके आ जाते हैं, तो आपने इसको लाजमी देख लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन कर लेनी है। तो आपके पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन था CS 101 का, ई वेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ई वेस्ट के आपने जो नेगेटिव इम्पैक्ट, जो मनफी असरात होते हैं अब हमारे माशरे में ई वेस्ट के, आपने वो बताने थे। अब आप इसमें से अपनी फाइल में से सर्च कर लें, अपनी हैंड आउट की फाइल में से ई वेस्ट, तो आपको यहाँ पर वो पैराग्राफ पूरा मिल जाएगा, आपने उसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन था, एक कंसेप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था। तीसरा था हमारे पास IPR स्टैंड्स फॉर। IPR किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, इसका हमने एब्रीविएशन बताना था। फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास एक्सेल का फार्मूला था जो कि करेक्ट करना था। आपके पास एक एक्सेल का फार्मूला दिया गया था जिसको आपने करेक्ट करना था, ये हमारा फोर्थ का क्वेश्चन है। फाइव नंबर पर था हमारे पास थ्री कमांड्स ऑफ एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप की आपने तीन कमांड लिखनी थी एडिटिंग ग्रुप की। सिक्स नंबर में हमारे पास था इंट मेन, इसमें एक वैल्यू थी उसका आउटपुट पूछा था। ये बहुत इजी है, आपने प्रोग्रामिंग अगर वैसे भी आपकी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट बुक है तो आपने देख लेना है कि जो काउट और उसके आगे टू ब्रैकेट्स के आगे जो वैल्यू होती है वही आपका आउटपुट होता है। तो इंट मेन के दरमियान में एक वैल्यू लिखी थी जिसको आपने प्रिंट करना था, यानी कि जो आपने बतानी थी। नेक्स्ट था हमारे पास एक्सेल का सम पूछा था। तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास ये था। आठवें नंबर था MS वर्ड में स्टाइल ग्रुप का पूछा था। अच्छा, आपके लिए एक टिप ये है कि आपने MS वर्ड वहाँ पे ओपन कर लेना है, जो क्वेश्चन MS के अकॉर्डिंग होंगे आपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके वहाँ से देख के लिख देने, काफ़ी इजी होते हैं। तो यहाँ पे MS में स्टाइल ग्रुप का उन्होंने पूछा था, तो आपने स्टाइल ग्रुप ओपन कर लेना है और उसका बता देना है, उसमें जो कुछ लिखा बता देना है उसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग के रिलेटेड एक कंसेप्शनल क्वेश्चन था, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के रिलेटेड। और 10 नंबर पे था हमारा स्प्रेडशीट में वैल्यूज़ का बताना था कि किस रो कॉलम के लिहाज से हैं। तो आपने स्प्रेडशीट आपके पास एक दी गई थी और यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें वैल्यूज़ दी गई थी और पूछा गया था कि ये यानी कि रो कॉलम के लिहाज से आपने उनको तरतीब देनी थी, आप कह सकते हैं ऐसा। और MCQs मोस्टली फाइल में से आए थे बेस्ट ऑफ लक, तो MCQs आपके जो हैं जुनेद फाइल में से आते हैं, ये आपने इसको लाजमी तौर पे याद करना है। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको फिर भी चाहिए तो vulms.com से आप जुनेद की फ़ाइल CS 101 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। और आपने इसका ये देखना है कि आपके पास जो भी MS वर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, आपने वहाँ पर MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसका आंसर दे देना है। तो ये था आज का हमारा सुबह 8 बजे का पेपर। मैं आपके साथ इसके नेक्स्ट पेपर भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।